ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बद्दी स्थित ICFAI विश्वविद्यालय आए दिन शिक्षा के नए आयामों को छू रहा है। यूनिवर्सिटी में बीटेक, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, बीए, एलएलबी और पीएचडी के कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये कहना है विश्वविद्यालय के मार्केटिंग हेड जगजीत सिंह भावरा का। हमीरपुर में जगजीत सिंह ने बताया कि इस विश्वविद्यालय में ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि विद्यार्थी से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाए और ना ही किताबों की कोई कीमत वसूली जाती है, ताकि विद्यार्थियों का कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। ICFAI विश्वविद्यालय सस्ती और सर्वोत्तम शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में स्थापित यूनिवर्सिटी में बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, एमबीए, एमएससी, एमकॉम, बीबीए, एलएलबी और पीएचडी के कोर्स उपलब्ध हैं। ये विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि कोई प्रवेश शुल्क या कागजी शुल्क न वसूला जाए और किताबों की कोई कीमत नहीं ली जाती है, इसलिए छात्रों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं है। सभी फीस अन्य विश्वविद्यालयों में ली जा रही है। ये जानकारी विश्वविद्यालय के मार्केटिंग हेड जगजीत सिंह भावरा ने हमीरपुर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के विभिन्न जिलों के लगभग 300 छात्रों को प्रवेश मिला है। ये विश्वविद्यालय पंजाब के साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र के पास है। विश्वविद्यालय के प्रत्येक कक्षा में प्रोजेक्टर सहित सभी अल्ट्रा आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रदान की गई हैं, ताकि छात्रों को वर्तमान समय की तरह सभी प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि नए सत्र के प्रवेश के लिए हिमाचल के हमीरपुर जिले में परिसर खुला है, ताकि हमीरपुर क्षेत्र के छात्रों को प्रवेश पाने में कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने कहा कि गरीब और इंटेलिजेंट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के साथ पूर्व सैनिकों के लिए शुल्क प्रवेश में भारी छूट है। यूनिवर्सिटी ने इस तरह से लॉ की स्टडी के लिए वीकेंड क्लासेस का भी प्रावधान है। मेरा नाम जगजीत सिंह भामरा है। मैं एक फाइव यूनिवर्सिटी बद्दी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा आज का मोटो जो था वो था कि हम लोगों ने जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस करा है एक फाइव लॉ स्कूल, उसमें बीबीए, एलएलबी ऑनर्स जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है एंड एलएलबी कोर्स जो बच्चे कानून की पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिनका इंटरेस्ट है लॉ की स्टडी के लिए, वो हमारे पास में विजिट कर सकते हैं। हमारे पास में रिसेंटली इस कोर्स की जो मान्यता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी है। इसके अलावा दूसरे कोर्सेज भी हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, जिनके लिए हमने आज जिस मंत्र से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उस चीज़ को एलैबोरेट कर दिया गया है। बाकी ज़्यादा लेवल के लिए कोई भी जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस विजिट कर सकता है या हमारे ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव को मिल सकता है। इसमें जो मैंने बताया कि हमारे पास जो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज हमारे पास में ऑलमोस्ट 10-15% ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं टोटल सीट्स में जो कि इस कोटा में होते हैं। बेसिकली हमारे पास में HP गवर्नमेंट की जो हदायत होती है उसमें हमें 25% बच्चे हिमाचल के लेने होते हैं, लेकिन हम हमारे यहाँ पर नॉर्मली 60-70% बच्चे हिमाचल के होते हैं। हम हिमाचल के बच्चों को ज़्यादा तरजीह देते हैं और इसमें कोटे वाले बच्चों को हम लोग यही चाहते हैं कि उनके उनके पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी का वैल्यू उनको मिले। सर बच्चे तो ये है कि उनको जब इस चीज़ की समझ आ जाती है कि पैसे तभी मिलेंगे या जो दी हुई फीस तभी सरकार से वापस आएगी कि अगर हमारी पढ़ाई बिल्कुल सही होगी, अगर हम कहीं पे फेल नहीं होते हैं या सप्ली नहीं आती है, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसा ध्यान दे देते हैं। लेकिन 1-2% ऐसे बच्चे होते हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन लेटर ऑन उनको भी इस चीज़ के लिए समझा दिया जाता है और मना दिया जाता है।